हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले मतलब लास्ट वीक ही हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने बात करी थी कि किस तरीके से आपके अकाउंट में आपके डीमेट अकाउंट हैक होते हुए नजर आ रहे हो, जितने भी शेयर्स है वो या तो बेच दिए जा रहे हैं या उन्हें बेच के ऐसे शेयर्स को यहाँ पर खरीदा जा रहा है जो कि इलिक्विड होते हैं। इलिक्विड इन द सेंस कि जहाँ पर मनी ज़्यादा फ्लो नहीं होती, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, ओके, जहाँ खरीदने वाले नहीं होते, जहाँ बेचने के लिए तो लोग आतुर रहते हैं बट खरीदने वाले नहीं होते। अब फिर सर्किट लोअर सर्किट में शेयर चलते रहते हैं, ओके, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में शेयर यहाँ पर बाइंग किए जाते हैं और ऐसे ऐसे आउट ऑफ द मनी का इस तरीके से OTM शेयर्स यहाँ पर खरीद दिए जाते हैं कि आपको वहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई देता है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर शिकायत करने जाते हैं कुछ प्लेसेस पे जैसे कि NSE, SEBI या फिर जहाँ पर भी अपने ब्रोकर से शिकायत करते हैं, वहाँ पर भी किसी तरीके का समाधान नहीं मिलता। और इन दैट केस होता क्या है कि अगर समाधान मिलना भी वाला होता है तो आपके पैसे एक तरीके से ब्लॉक होते हुए नजर आते हैं। तो मैं आज उसी से यहाँ पर थोड़ा सा इसे और थोड़ा ऊपर लेवल पे यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सेव हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर बात करूँ, मैंने जरोदा से बात करी थी, जरोदा में एक मुझे PDF सेंड करी थी और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं एक बार आपसे बात करना चाहूँगा। एडिशनली कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा, उसे यहाँ पर आप अपने अकाउंट में ऐड करिएगा ताकि आप यहाँ पर बच सके, इस किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। और अगर ऐसा कुछ फ्रॉड होता भी है तो आप वहाँ से रेक्टिफाई कर हो सके, आप यहाँ पर कोशिश करें कि ऐसा फ्रॉड आपके पास हो ही ना। तो आप इस सेटिंग्स को अप्लाई करिएगा। अगर वो सेटिंग्स आप अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत कम चांस हो जाएंगे, यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम चांसेस हो जाएंगे, 0% के चांस हो जाएंगे कि आप यहाँ पर फंस भी जाए। और अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाता है कि आपका अकाउंट कोई हैक भी कर लेता है, बट आप यहाँ पर दो चीज़ें तुरंत यहाँ पर कॉशियस वे में यहाँ पर अपनाएंगे तो याद रखिए आप उस चीज़ से तो बचेंगे ही बचेंगे, आप यहाँ पर ज़्यादा लॉस से यहाँ पर बच जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर हैक हो गया तो आपके पैसे, एक बार समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में कितने ही पैसे हो, वो तुरंत यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके के केसेस क्योंकि बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कमेंट मेरे पास भी आया था, सर मेरा अकाउंट हैक हो गया है, ओके, व्हाट शुड आई हैव टू डू। तो उससे रिलेटेड ओके, मैंने यहाँ पर कमेंट भी किया था, बट उससे भी कमेंट किया था, बट स्टिल मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि 2-3 दिन पहले ही ये वीडियो बनाऊँ और आपको एक बार अवेयर करा दूँ अबाउट दैट, बट अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर ये वीडियो आ रही है, इसे जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर पे फॉलो करिएगा, एज वेल एज हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करिएगा ताकि हम इस तरीके के वीडियो जो बनाते रहते हैं आप यहाँ पर सीख सके। और जब सीखेंगे तो याद रखिए अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। आपको 2-4 दिन पहले अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिए थे, वो भी भाग रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ज़ेरोधा में यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। मोस्टली यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है वो फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है ज़ेरोधा के साथ। यहाँ पर दूसरे कोई एंजल ब्रोकिंग हो गए या दूसरे जो प्लेटफॉर्म हो गए वहाँ पर इस तरीके के केसेस आ नहीं रहे हैं, ओके, बट स्टिल हम देखें तो जब यहाँ पर इस तरीके के केसेस आ सकते हैं ज़ेरोधा के साथ, हो सकता है जो कि एक नंबर वन ब्रोकर है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे भी, ऑब्वियसली बात है जब एक कंपनी बड़ी होती जाती है वो अपनी सिक्योरिटी पे भी यहाँ पर, प्राइवेसी पे भी यहाँ पर पैसा खर्च करती है। बट स्टिल यहाँ पर हम देखें तो ज़ेरोधा के साथ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, दूसरी कंपनीज के साथ ऐसे केसेस अभी सुनने को नहीं मिले, बट अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ओके। हम यहाँ पर भी ट्विटर पे उन्हें मैसेज डालेंगे, मैंने ज़ेरोधा को ट्विटर पे मैसेज डाला था, उनकी तरफ से मैसेज भी आया था, मैंने कामत और जो कामत ब्रदर्स है उन्हें भी यहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया था, उन्हें भी टैग कर दिया था इस चीज़ में कि इस तरीके से आपके यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरा भी अकाउंट और बहुत सारे लोगों का अकाउंट यहाँ पर ज़ेरोधा के साथ है, क्योंकि ज़ेरोधा यहाँ पर नंबर वन यहाँ पर प्ले करता है। तो उन्होंने कुछ एक PDF भेजी, PDF तो यहाँ पर जो उन्होंने भेजी अगर मैं उसके बारे में बात बताऊँ तो वो हम मोस्टली लोग उसे फॉलो करते ही है। हम अगर बात करें वो OTT लेवल की बात करते हैं, ओके, जो टी टॉप आता हुआ दिखाई देता है कि आप यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटर यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हुए दिखाई देते हैं, जब भी लॉगिन करते हैं तो उसके थ्रू ही लॉगिन करते हैं। तो ये आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। इसके अलावा जो टी पिन आता है या फिर हम जो POA फॉर्म यहाँ पर देके रखते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें थी, तो वो तो यहाँ पर खतरे वाली बात नहीं है। बात मेन है कि हैक होता हुआ नजर आता है यहाँ पर, ये शेयर अकाउंट हमारा सारा का सारा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेरीज थी। तो उन्होंने एक तो टी टॉप के बारे में बात किया, एज वेल एज यहाँ पर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे
यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, जो कि हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पर दूसरे के लैपटॉप में जाके, दूसरे के फ़ोन में जाके, दूसरे किसी प्लेस पे जाके आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करना है। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर अपने लॉगिन कर रहे हैं या थ्रू मोबाइल कर रहे हैं या थ्रू लैपटॉप कर रहे हैं, तो या तो फिंगरप्रिंट का एक्सेस दीजिए या फिर अपने मोबाइल को जब वो ओपन होता है वो या फेशियल के थ्रू ही यहाँ पर ओपन हो, इस तरीके का एक्सेस दीजिए। एज वेल एज यहाँ पर अपने फ़ोन को दूसरों के साथ यहाँ पर शेयर मत करिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्राइवेसी हो सकती है, रोका जा सकता है, बट बाई चांस उनके हाथ में मोबाइल हो, उन्होंने किसी मैसेज पे क्लिक कर दिया हो, किसी जीमेल के अकाउंट में यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जैसे एनी डेस्क, ओके, यहाँ पर लैपटॉप में या फोन पे यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और किसी के साथ शेयर कर देंगे। आपको पता है, आपको पता भी है या नहीं पता है, बट काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। इस केसेस में वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट, पूरा का पूरा फोन यहाँ पर हैक कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि आपका बैंक अकाउंट, आपके जो जीपे आप यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, फोन पे यूज़ करते हैं, या दूसरे यहाँ पर एप्लीकेशन जो यहाँ पर पैसे लेन देन के लिए आप यूज़ करते हैं, एज वेल एज जो आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आप फोन पे यूज़ करते हो, और अगर आपने एक लिंक पे यहाँ पर उन्होंने कोई लिंक भेजा, आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने पर क्या होगा कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास चली आएगी, वो क्लोन के थ्रू आपके फोन को पूरा हैक कर पाएंगे। ओके, चाहे आप कितनी बार भी पासवर्ड चेंज करिए, आप कितनी बार भी कुछ भी करिए, उनके पास पूरा एक्सेस है। फिर इस तरीके से आपका फोन उनका हो गया, आपका लैपटॉप उनका हो गया, तो आप यहाँ पर एक तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि अपना फोन नहीं देना किसी को, दूसरी जगह से यहाँ पर एक्सेस नहीं करना, एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना लॉगिन आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करना, एज वेल एज अगर बात करूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जीमेल। ओके, आपका अगर ज़ेरोधा में रेडिफ मेल पे अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट रेडिफ मेल पे है, ओके, आप रेडिफ मेल को आपने अटैच कर रखा है, तो यहाँ पर रेडिफ मेल को हटा दीजिए, ओके, और जीमेल को यहाँ पर उसमें एक्सेस दीजिए। क्यों? यहाँ पर अगर हम बात करें रेडिफ मेल का जो वेरिफिकेशन है, एज वेल एज जो उसकी जो प्राइवेसी है वो इतनी सिक्योर नहीं है, इस वजह से मैंने जितने भी यहाँ पर कमेंट देखे हैं उनका सारा सबका अकाउंट रेडिफ मेल पे है। रेडिफ मेल वाले जितने भी अकाउंट ज़ेरोधा से लिंक है या किसी और से भी लिंक है वो हैक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो रेडिफ मेल को यहाँ पर परमानेंटली अभी जाइए, तुरंत जाइए, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइएगा, अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपने कस्टमर केयर पे फोन करिएगा, वो यहाँ पर अपडेट करेंगे, फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करिए, जो भी करना है, रेडिफ मेल पे आपका अकाउंट है तो यहाँ पर अपडेट करा लीजिए और जीमेल पे जाइए। क्यों? क्योंकि जीमेल पे कभी भी आप किसी और जगह मैं लैपटॉप से फोन पे कभी यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर रहा होता हूँ या फोन से लैपटॉप पे पासवर्ड चेंज कर रहा होता हूँ, तुरंत ही मेरे मेल पे यहाँ पर आ जाता है, ओके, या फिर पासवर्ड चेंज करता हूँ या फिर एक्सेस भी करने की कोशिश करता हूँ, तुरंत यहाँ पर लोकेशन आ जाती है कि इस तरीके से आपको आपका यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये आप ही है या नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से आपको एक तरीके से पता चलता है कि जीमेल की प्राइवेसी यहाँ पर काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर टू रेडिफ मेल या फिर याहू या फिर जो भी यहाँ पर आप मेल का यूज़ करते हो। जीमेल पे जाइए, जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करिए, बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पर जाके उसे उसके साथ अटैच कर दीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्यों? क्योंकि अगर ज़ेरोधा के पास कुछ हो रहा है तो वो ना तो आपको SMS करेगा, वो आपको मेल करेगा, ओके, और आपके पास मेल आएगा नहीं आएगा वो आपको पता नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेल आते रहते हैं, आप तुरंत ही उस मेल को देखें या ना देखें वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए एक्सेस करना सीखिए, मेल को तुरंत तुरंत चेक करते रहिए और अपने मेल को चेंज कर लीजिए। मेन पॉइंट था कि रेडिफ मेल पे अगर आपका अकाउंट है उसे हटा दीजिए और जीमेल पे जाइए, जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए, जीमेल के अकाउंट को लिंक करिए और उस केसेस में आप यहाँ पर सेफ होते हुए नजर आएंगे, सिक्योर होते हुए नजर आएंगे और आपका अकाउंट के हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एज वेल एज अगर बाई चांस आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है, तो चाहे रेडिफ मेल पे हो या चाहे आप किसी भी मेल आईडी पे हो, तो याद रखिए आपको एक काम करना है, आप सोचेंगे कि मैं अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूं फोन का, तो पासवर्ड तो आप चेंज कर दोगे बट जो OTP आता है केवल फोन पे ही नहीं आता है,
जी मेल पे भी आता है, मेल पे भी आता हुआ दिखाई देता है, रेडिफ मेल पे भी आता हुआ दिखाई देता है, वो पूरे रेडिफ मेल को ही यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। ओके, आप वहाँ पर से तो फ़ोन से तो पासवर्ड चेंज कर देते हैं, बट आप भूल जाते हैं कि आपका एक पासवर्ड यहाँ पर जी मेल पे भी जाता है, मेल आई डी पे जाता है। तो इसलिए कभी इस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आए तो फ़ोन के पासवर्ड को चेंज करिए, ओके, यहाँ पर अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करिए, एज वेल एज जी मेल के पासवर्ड को चेंज करिए, जी मेल के पासवर्ड को चेंज करिए, रेडिफ मेल के पासवर्ड को चेंज करिए, रेडिफ मेल को तो एलिमिनेट कर दीजिए, सीधे यहाँ पर जी मेल पर आइए और जी मेल के पासवर्ड को भी यहाँ पर चेंज कर दीजिए तुरंत के तुरंत, ताकि वो यहाँ पर आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए, आप यहाँ पर सिक्योर हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जी मेल पर ही आपको अकाउंट रखना है, एज वेल एज अगर इस तरीके की हरकत होती है तो आपको केवल अपना फ़ोन का पासवर्ड चेंज नहीं करना, आपको अपने डीमैट का अकाउंट का पासवर्ड चेंज नहीं करना, आपको अपने बैंक की नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज नहीं करना, केवल और आपको चेंज भी करना है यहाँ पर जीमेल को भी आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत चेंज कर देना है। और कभी भी कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है, आपको लग रहा है कोई फिशिंग मैसेज है या फिर आपको लगता है, क्योंकि इस तरीके के मैसेज करते रहते हैं, आपने एक क्लिक किया पूरा एक्सेस ओके वो यहाँ पर उनके पास चले जाता है और इस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी अनऑथराइज मैसेज को मत पढ़िए, किसी भी अनऑथराइज यहाँ पर मेल को मत पढ़िए, क्योंकि ये सारे के सारे फिशिंग होते हैं, और जितने ये फिशिंग होते हैं तो मतलब आप यहाँ पर एक तरीके के फंस गए। तो यहाँ पर आपके लिए राय यही रहेगी, रेडिफ मेल को हटा दीजिए, जी मेल को यहाँ पर रखिए, अगर बाई चांस आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो केवल फ़ोन का पासवर्ड और यहाँ पर डीमैट नेट बैंकिंग का पासवर्ड ही चेंज नहीं करना, आपको यहाँ पर चेंज करना है यहाँ पर अपना जीमेल का अकाउंट का पासवर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीमेल के थ्रू या फिर किसी भी मेल के थ्रू यहाँ पर वो एक्सेस करते रहते हैं ओटीपी, क्योंकि आपके फ़ोन पे भी आता है, जीमेल पे भी आता है, इस केस में आप यहाँ पर फंस जाते हैं, आप वहाँ पर कर देते हैं, बट ये वाला हिस्सा आप भूल जाते हैं और इसी कारण आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती रहती है और इस तरीके के फ्रॉड होते रहते हैं, और इस केस में यहाँ पर आप प्रॉफिट में भी हो रहे होते हैं तो बट स्टिल आप यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। तो इस यही चीज़ मुझे बतानी थी, और किसी तरीके की क्वेरीज हो, किसी तरीके की इस तरीके से आपको हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ डोंट अफ्रेड और डोंट बी हेजिटेट, सिंपली यहाँ पर आप मुझे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। ओके, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या राय दे सकता हूँ, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बातें कर लेंगे। आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं एट द रियल टाइम, एज वेल एज आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओके, और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है जो हमें लेने हैं वो ऑब्वियसली बात है वो आपको लेने हैं। ओके, जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे जानकार थे, सबको मैंने ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, डाल दिया था कि इस अगर रेडिफ मेल है तो उसे हटा दीजिए, जीमेल पे आ जाइए। सबके मोस्टली यहाँ पर जीमेल पे ही थे तो ये अच्छी बात है, बट किसी के पास है रेडिफ मेल चेंज कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।